हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर वाले जिंक की कमी को कैसे जाने और दवा की जगह क्या करें, आज यही टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, शरीर में जिंक की कमी से अनेकों परेशानियां होने लगती हैं। आपके शरीर में जिंक की कमी है तो कैसे पता लगाएं और जिंक की कमी को कैसे पूरा करें, आज यही बताऊंगी। उससे पहले तमाम शुगर व बीपी वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ कि दोनों समय सैर जरूर करें। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को सैर करते समय हल्का सा तेज चलें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं, अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है तो उसे कैसे पता लगाएं और जिंक की कमी को कैसे पूरा करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिंक पोषक तत्वों में से एक है। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। जिंक से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जिंक की कमी को कैसे जाने, आपका वजन कम होने लगेगा, स्वाद और गंध का कम पता लगेगा और आपको ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगेगी, बालों का झड़ना, जख्म का देरी से भरना आदि, यह सभी जिंक की कमी के लक्षण है। आप जिंक की कमी को दवा की बजाय छोटे से घरेलू उपाय से पूरा कर सकते हैं। यह देखिए मूंगफली। मूंगफली जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें अनेकों पोषक तत्व होते हैं और जिंक की कमी को पूरा करते हैं और मूंगफली हमें आसानी से मिल जाती है। यह देखिए तिल। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए तिल भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। आइए जानते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है जिससे जिंक की कमी पूरी हो सके। 100 ग्राम सफेद तिल, 100 ग्राम मूंगफली की कच्ची गिरी, दोनों की बराबर मात्रा लेनी है। तिल और मूंगफली को रोस्ट बिल्कुल नहीं करना, इन्हें मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंडर करना है। यह देखिए हमने मूंगफली और सफेद तिल ग्राइंडर करके रखे हैं। आप इन्हें किसी भी जार में डालकर रख दीजिए। अब बात आती है इसके सेवन की, इसका सेवन किस समय और कैसे करें। यह देखिए एक चम्मच पाउडर लेना, यह एक चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना है और एक चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना, ऐसे ही दोनों समय लेना है। और ध्यान रहे मूंगफली और तिल बराबर मात्रा में लेने हैं। अगर 100-100 ग्राम लेने हैं तो दोनों चीजें 100-100 ग्राम ही लेनी है, या फिर 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं, परंतु बराबर मात्रा में ही लेने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शरीर में जिंक की कमी पूरी होगी। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके और हमारे चैनल पर बने रहें, नई नई जानकारी पाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दोस्तों।